हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये जो टीवी 24 इंच का है, आप बोर्ड का नंबर दे सकते हैं, TP V56.PA671 वाली बोर्ड है। ये टीवी क्या हो रहा है, ये सेट ऑन करने से सेट स्टैंड बाई से रिलीज होता है और फिर स्टैंड बाई में आ जाता है। सेट ऑन होकर फिर ऑफ हो जा रहा है, ना बैकलाइट जलता है और ना पैनल की सप्लाई रिलीज होता है। ये टीवी जो है एक टेक्नीशियन के पास से रिटर्न आया है, उनको ये फॉल्ट समझ में नहीं आया, सो फिर मेरे पास आया। ये देख सकते हैं, टीवी को हम ऑन करके दिखाते हैं। ये टीवी ऑन करते हैं, ये देखिए टीवी ऑन हुआ। कुछ सेकंड बाद ये टीवी फिर स्टैंड बाई में चला आया, आप देख सकते हैं। तो ये जो फॉल्ट है, इसी फॉल्ट को हम आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एक्चुअल में ये फॉल्ट है किस जगह की, किस सेक्शन की फॉल्ट है। देखिए, बैकलाइट जो है कुछ सेकंड के लिए भी ये ग्लो नहीं करता है, सेट टोटली स्टैंड बाय में रिटर्न चला आता है, देख सकते हैं। तो ये फॉल्ट है इसमें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजफुल कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर हमेशा नॉलेजफुल वीडियो ही रहता है, आपका बहुत काम का होता है। हम सबसे पहले इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, ये ओके है या नहीं। यहाँ 11.44 वोल्ट दिखा रहा है, ये सप्लाई जो है प्रॉपर है, इतने वोल्ट में सेट चलना चाहिए। और इसकी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये यहाँ पर रेगुलेटर लगा है, ये 5 वोल्ट इसमें बन रहा है। कोर सप्लाई जो है 1.1 वोल्ट, ये भी इसमें बन रहा है। और जो फ्लैश की सप्लाई है 3.3 वोल्ट, ये 1118 आईसी से बना है, ये 3.283 वोल्ट बन रहा है, थोड़ी सी कम है। और यहाँ पर फ्लैश आईसी का 8 नंबर पिन पर वही वोल्टेज है, 3.3 के करीब ही है। सो हम इसको ऑन करके देखेंगे कि सेट जब ऑन होता है तो 12 वोल्ट में या फिर 3.3 वोल्ट में कोई वेरिएशन आता है क्या, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाए, चेक करने का तरीका अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका फॉल्ट भी ढूंढने में वक्त लगेगा और वो फॉल्ट भी सॉल्व नहीं होगा। जो कि जो टेक्नीशियन इसमें काम किया, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आया क्योंकि उनका तरीका गलत रहा होगा। इसलिए आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपका काम जो है सफल होगा। हम चेक करेंगे कि इसका पैनल VCC सेट ऑन होते समय रिलीज होता है क्या कुछ सेकंड के लिए। इसके पैनल VCC पे हम मल्टीमीटर का प्रॉप रखते हैं और फिर सेट को ऑन करेंगे। हमें एक हाथ को फ्री छोड़ना है क्योंकि एक हाथ पे कैमरा है। इसको यहाँ फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए फिक्स हुआ है। अब सेट को ऑन करते हैं और पैनल VCC की तरफ हम ध्यान देंगे, मल्टीमीटर की तरफ, कि ये रिलीज होता है क्या। ये देखिए, पैनल VCC रिलीज होने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया। हम LVDS केबल को निकाल देते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है सारी चीज़ें, क्योंकि इतना आपको समझ लेना है कि सेट ऑन होने के बाद स्टैंड बाई में आ रहा है तो आगे की शॉर्टिंग हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी जो सप्लाई है इसको चेक कर लिए थे, सप्लाई ओके है। ये देखिए, इसकी LVDS केबल निकाल देने से सेट ऑन हो गया, बैकलाइट भी ग्लो हो गया और जो 12 वोल्ट की सप्लाई है पैनल VCC वो भी यहाँ से रिलीज़ हो चुका है। सॉरी, 5 वोल्ट की पैनल है, ये 5 वोल्ट यहाँ से रिलीज़ हो चुका है। 3.3 वोल्ट फ्लैश IC पर देखिए, 3.96 वोल्ट, ये थोड़ी बहुत बूस्ट हुआ है, ये सप्लाई ओके है। और अब हम चालू कंडीशन में ही जो LVDS केबल है इसको लगाते हैं और देखते हैं। और ये देखिए, LVDS लगाते से ही ये सेट जो है स्टैंड बाई में चला गया फिर से। तो इससे कंफर्म होता है कि ये जो फॉल्ट है हमारे पैनल में है, इसकी जो
पैनल में कहीं शॉर्टिंग है जो कि 12.5 वोल्ट जब रिलीज होता है, ये देखिए अब फिर से बंद हो जा रहा है। जब ये पैनल VCC रिलीज होता है तभी ये सेट जो है स्टैंड बाई में जा रहा है। ये देखिए सेट ऑन हो चुका है, LVDS निकालने से ही सेट ऑन हो जाता है। ये देखिए बैकलाइट इसमें जल चुका है। तो ये चीज़ें जो है कंफर्म हो चुका है कि ये पैनल का इशू है, पैनल में कहीं शॉर्टिंग है। हमें आप सीधे पैनल तक पहुंचना है, पैनल में देखना है कि शॉर्टिंग कहां पर है। तो चलिए हम पैनल साइड में पहुंचते हैं। ये टीवी किसी टेक्नीशियन के पास लगभग हफ्ता भर पड़ा हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है सेट में, फिर भी हम अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका स्केलर देख सकते हैं, मल्टीपल कॉफ है, AUO का पैनल है, इसका पैनल नंबर यहां पर मेंशन है, 24 इंच का पैनल है, आप देख सकते हैं यहां नंबर है पैनल का। यहां जो VCC है, VCC पैनल जो है उसको हम ग्राउंड के साथ देखेंगे कनेक्टिविटी। ऐसे चेक करने के लिए आप रेड प्रॉप को ग्राउंड के साथ जोड़ें और ब्लैक प्रॉप से आप टेस्ट पॉइंट पर चेक करें। तो ये देख सकते हैं ग्राउंड के साथ यहाँ 0 ओम्स की बता रहा है। सबसे पहले पैनल VCC पे देखेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, क्योंकि डायरेक्टली 5 वोल्ट पैनल VCC जोड़ते से ही सेट ऑफ हो रहा है। तो इसमें पैनल VCC में कोई शॉर्टिंग नहीं है, किलो ओम्स में बता रहा है। बाकी जितना भी टेस्ट पॉइंट है बारी बारी से सारे टेस्ट पॉइंट पे हम चेक करते जाएंगे, तो फॉल्ट जो है ढूंढने में आसानी होगी। इसमें यहाँ पर VGH का टेस्ट पॉइंट है जो कि 38 किलो ओम्स की शॉर्टिंग है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ पर 5 मेगा ओम्स की है, इसमें भी नहीं है। LVDS पर ये देखिए LVDS पर 43 ओम्स की कंटिन्यूटी बता रहा है, ये ओम्स में बता रहा है, मतलब इसी में कहीं शॉर्टिंग है। ये देखिए ओम्स में, सब किलो ओम्स में आना चाहिए था, जबकि LVDS में ओम्स में है। ये देखिए यहाँ भी LVDS का टेस्ट पॉइंट है, 43 ओम्स की रीडिंग इसमें आ रहा है LVDS में, ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ये कंफर्म हो चुका है कि हमारे सेट में LVDS के सप्लाई में शॉर्टिंग है। अब LVDS के सप्लाई की शॉर्टिंग हमें रिमूव करना है, बाकी किसी में देखिए शॉर्टिंग नहीं है, सब 9 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स, 24, 35 किलो ओम्स की रीडिंग आ रहा है। सिर्फ LVDS में ही ये 43 ओम्स की जो रीडिंग है वो बता रहा है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इसके LVDS में ही शॉर्टिंग है। तो चलिए हम देखते हैं नीचे के कंपोनेंट्स जो भी लगे हुए हैं। सीधे हमें सिर्फ LVDS के सप्लाई, LVDS का जो ट्रैक है उसी पे हमें ध्यान देना है, उसी पे दौड़ना है। यहाँ काम हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट जो है निकला हुआ है। यहाँ मेरे ख्याल से PF निकला हुआ है, एक यहाँ कैपेसिटर लगे हुए थे, ये निकला हुआ है, और ये LVDS का ही PF होगा जहाँ तक, लेकिन रिमूव नहीं कर पाए। तो हम अपने हिसाब से देखते हैं, इसको शॉर्टिंग चेक करने का कई सारा उपाय है, आप शॉर्ट क्लियर का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 44 ओम्स बता रहा है, मतलब यही LVDS का ट्रैक है, इसी में शॉर्टिंग है। उनको यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा होगा तो PF रिमूव करके देखे, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। इसमें LVDS के लाइन में कई सारा PF होते हैं, एक दो नहीं, 4, 5, 6 PF होते हैं, तो किसी एक में भी शॉर्टिंग होगा तो पूरे ट्रैक में आपको शॉर्टिंग दिखेगा। तो यही वजह है उनको शॉर्टिंग रिमूव करने में दिक्कत हुई, क्योंकि तरीका गलत है। अब जो है यहाँ से पैनल VCC इनपुट हुआ है और ये सीधे LVDS के साथ जाके पहला सप्लाई बनता है LVDS की, वो इसलिए शॉर्टिंग हो रहा है और अपना सेट ऑफ हो रहा है। यहाँ से LVDS की सप्लाई रिलीज़ होता है, फर्स्ट सप्लाई है, इसके बाद ही बाकी सप्लाई बनता है और इसी में शॉर्टिंग है।
ये 12.5 वोल्ट की सप्लाई सीधे आईसी में जाता है और यहीं से एक डायोड के थ्रू यहाँ निकल कर यहाँ एलईडी की सप्लाई बनता है, आगे जाता है। तो ये फर्स्ट सप्लाई है, इसलिए हमें इस पर शॉर्टिंग। यहाँ देखिए, यहाँ 3 PF लगे हुए थे, उनमें से 1 PF हमें शॉर्ट मिला, इसके बगल वाली ये वाली PF हमें शॉर्ट मिला। हमने सारे PF को बारी बारी से ओपन करके चेक किया, चेक करने पर ये देखिए यहाँ ये 1 PF जो है ये शॉर्ट मिला। सो इसको हम चेक करके बताते हैं आपको। चलिए इसको मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। यहाँ ये छोटे छोटे पिए भी चेक करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए 65 ओम्स की शॉर्टिंग, ये PF है, इसमें 65 ओम्स की शॉर्टिंग है, तो ये PF इसमें शॉर्ट निकला। अब जो है PF तो हम बाद में लगाएंगे, सेट को पहले ऑन करते हैं, क्योंकि एक दो PF और लगा है इसमें, उससे भी काम हो जाएगा। तो हम पहले सेट ऑन करके देखते हैं कि हमारा सेट जो है ओके हुआ है या नहीं। चलिए सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं यहाँ से। देखिए सेट ऑन हो चुका है। अरे ये क्या हो गया, ये पैनल तो टूटा हुआ है दोस्तों, ये ग्लास यहाँ से टूटा है, ब्रेक है, पूरा मेहनत पानी हो गया, बेकार हो गया दोस्तों। अब ये जो है हो सकता है जो टेक्नीशियन के पास पड़ा हुआ था वहीं से टूटा है, या फिर जो कस्टमर जिनका टीवी है वो लाते वक्त रास्ते में तोड़े होंगे, जो भी है, लेकिन पूरी मेहनत हमारा बेकार हो गया, फालतू हो गया। खैर दोस्तों, अब फॉल्ट तो हमें ढूंढ लिया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।